तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, उसका भाई जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा जो कि आज खेला जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 5:30 पर शाम को। तो इस मैच की भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर आप भाई वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना तो ये मेरी गारंटी आप इजीली काफी अच्छी विनिंग यहां पर करने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल कंप्लीट आपको देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा जो आपके लिए जीएल मिनी जीएल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और कुछ भाई ऐसे डिफरेंशियल पिक्स रहेंगे जो भाई आपके लिए स्मॉल लीग में एज ए सीवीसी के भी ऑप्शन रहेंगे, और भाई रीजन भी दूंगा। देखिए आपको पता है मैं मतलब ऑलमोस्ट भाई यहां पर देखिए जो इंटरनेशनल मैच है ना वो लॉजिक के ऊपर खेले जाते हैं, वो भाई स्टेट्स के ऊपर आप नहीं खेल सकते कभी भी, वो भाई लॉजिक के ऊपर, प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म के ऊपर और बैटिंग ऑर्डर के ऊपर ही खेले जाएंगे। अब वो सारी चीजें क्या होती है कैसे होती है वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है। यहां पर अगर बात करें सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, उससे पहले भाई दो काम आपको जरूर कर लेना है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक है ना काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके वीडियोज बनाने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप भाई यहाँ पर देखिए जो मेरी फाइनल टीम है ना वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस टीम में अभी मैं आपको जो टीम प्रोवाइड करूंगा, अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है टॉस के बाद, भाई पहला मैच है और यहाँ पर भाई काफी सारे इंजरी कंसर्न है, जैसे क्विंटन डी कॉक के बारे में आपको आगे बताऊंगा, भाई इनका खेलना अभी फिक्स नहीं है, काफी बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर मिसिंग है, तो भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले। तो वो सारी चीजें जो भी रहेंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो जरूर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। यहाँ पर भाई एक एक प्लेयर के बारे में डीपली आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट की यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो चेस्टर ले स्ट्रीट में मैच खेला जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें इस ग्राउंड की तो यहाँ पर भाई देखिए ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए दो डिपार्टमेंट को अच्छी खासी हेल्प है, दो डिपार्टमेंट्स को अच्छी खासी हेल्प है, किस किस को भाई यहाँ पर बैटिंग को अच्छी खासी हेल्प है, जो बैट्समैन है उनके लिए इजी स्कोरिंग रन मिलेंगे यहाँ पर, तो भाई वो अच्छी खासी यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, बड़ी नोक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर बात करें दूसरे डिपार्टमेंट तो भाई यहाँ पर पेसर्स अच्छी खासी विकेट निकालते नजर आते हैं एज कंपेयर टू स्पिनर्स। स्पिनर्स के लिए भाई इस ग्राउंड पर ज्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब आप ये मान लीजिए कि दबाव में अगर कोई बैट्समैन आउट होकर गया तो जा सकता है, अदरवाइज कोई गलत शॉट खेलकर आउट हो सकता है, बट स्पिनर्स को यहाँ पर इतनी मदद नहीं है कि वो मतलब विकेट निकालने में कामयाब रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। अब चलिए भाई यहाँ पर सीधा बढ़ते हैं हम प्लेइंग 11 की तरफ, की क्या इनकी दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 यहाँ पर रह सकती है। सबसे पहले अगर बात करें भाई यहाँ पर इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो भाई जोस बटलर जॉनी बेस्टो दोनों आपको खेलते दिखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जेसन रॉय, जो रूट, लिविंगस्टोन पांच प्लेयर हो गए भाई, यहाँ पांच प्लेयर आपको खेलते दिखेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो बैन स्टोक्स और मोइन अली के प्रोबेबली चांसेज है कि ये खेलते दिखेंगे। बैन स्टोक्स का भाई ये लास्ट मैच है, आपको पता होगा रिटायरमेंट इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है, ये मैच जो ये खेलकर अपना मतलब एक तरह से रिटायरमेंट ये लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाई अपना मैच स्पेशल बनाना चाहेंगे और भाई उम्मीद भी करते हैं कि स्पेशल बनाए अपना मैच। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई जो इनका अब एक पेस बॉलर है ना वो भाई आपको कम खेलता दिखेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई आदिल रशीद स्क्वाड में वापस आ गए हैं, और अगर आदिल रशीद आ गए तो भाई इनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, ये तो भाई आपको खेलते नजर आएंगे आएंगे। तो इनके बारे में बताऊंगा भाई, इनको लेना है नहीं लेना, क्या करना क्या नहीं करना, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो एक प्लेयर खेलता दिखेगा ना वो भाई इन दोनों में से खेलता दिखेगा, ब्रेडन, जो क्रेग ओवर्टन और ब्रेडन कार्स, इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता दिखेगा। इसके अलावा भाई यहाँ से ये तीनों आपको फिक्स है कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खेलते दिखेंगे ही दिखेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर क्रेग ओवर्टन और ब्रेन क्या नाम है इसका, बैन कार्स की, तो भाई इनमें से ज़्यादा चांस मेरे को तो लग रहे भाई क्रेग ओवर्टन के, क्योंकि थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देता है और इंग्लैंड की टीम बैट्समैन को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करती है। अब अगर बात करें यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो यहाँ पर भाई एनरिक क्लासन के खेलने के चांसेस तभी बनेंगे जब भाई यहाँ से क्विंटन डी कॉक नहीं खेलेगा, ठीक है। और क्विंटन डी कॉक के भाई मैं आपको बता दूं इनके फिंगर में इंजरी थी, और भाई इन्होंने दोनों के दोनों जो प्रैक्टिस मैच है वो मिस किए थे क्योंकि भाई इन्हें इंजरी थी। अब अगर वो फिट हो गए होंगे तो भाई खेलते नजर आएंगे, और उम्मीद करते भाई ये खेलते नजर आए ताकि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। और यहां पर भाई इनकी तरफ से दो बड़े प्लेयर इनके नहीं है, टेम्पा बाउमा यहां पर आपको नहीं दिखेंगे जो इनके कैप्टन हुआ करते हैं। वहीं अगर बात करें कागिसो रबाडा, जो इनके पेस बैटरी को जो लीड करते, जो नंबर वन गेंदबाज है इनका, वो भी भाई आपको खेलता है यहां पर नहीं दिखेगा। तो
अब अगर बात करें यहाँ पर भाई इनमें से, तो यहाँ पर भाई क्लासन के खेलने के चांसेस है, बट और सेम भाई क्विंटन डिकॉक तो दोनों में से कोई भी खेल सकता है, कोई फिक्स नहीं कह सकते। यहाँ से राशि वांडरडसन 100% खेलेगा, जानेमन मलान आपको खेलते नजर आएगा, अभी भाई सेंचुरी लगाकर आ रहा प्रैक्टिस मैच में। वहीं अगर बात करें डेविड मिलर वन ऑफ द मतलब कैरियर की जो बेस्ट फॉर्म होती है ना भाई फिलहाल अभी उससे गुजर रहे हैं, तो और इंग्लैंड के अगेंस्ट में भाई काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड भी, काफ़ी अच्छे इनके स्टेट्स है, तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडन मार्करम आपको खेलते दिख सकते हैं, अगर एडन मार्करम खेलते दिखेगा तो भाई यहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेज है कि फिर आपको यहाँ से जाने में मलान शायद ना खेलता दिखे। यहाँ से अगर बात करें तो फेकलुक भाई हो और यहाँ से भाई जो डी प्रिटोरियस है, दोनों में से कोई ये खेलेगा, ज़्यादा चांसेज भाई वनडे में फेकलुक भाई हो के लग रहे। T20 भाई प्रिटोरियस अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई यहाँ पर हो सकता है इनको टीम प्रीफर करे क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही अभी चल रही है, और अगर भाई ये खेलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इवन भाई ट्रंप कार्ड पिक आप इसे मान सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो भाई एंड्रिक नोर्खे आपको दिखेंगे, तब्रेज शमसी और केशव महाराज दोनों में से कोई एक आपको दिखेगा, लुंगी नगीडी आपको दिखेंगे, मार्को जेंसन आपको दिख सकते हैं। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर भाई मैं आपको प्लेयर सेलेक्ट करता जाऊँगा और यहाँ पर बताता जाऊँगा कि भाई मैं किस प्लेयर को और क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई जोनी बेस्टो ओपनिंग करेगा और भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटर बैट्समैन है, ताबड़तोड़ इनिंग के लिए जाना जाता है। हालांकि अभी अभी इंडिया के अगेंस्ट में भाई इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप था, लेकिन भाई ये नहीं है कि फ्लॉप था तो मतलब फ्लॉप ही रहेगा, इनके चांसेस अच्छे खासे कि भाई ये आके अच्छी खासी नोक यहाँ पर खेलकर जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात भाई ओपनिंग कर रहे हैं तो अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। वहीं अगर बात करें जोस बटलर की, तो भाई आप जरूर से इसे ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई देखिए जो जोस बटलर है ये भाई यहाँ पर आपको 5 नंबर पर बैटिंग करते दिखेंगे, और अभी इंडिया के अगेंस्ट में लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी भी लगा कर आ रहे हैं, यानी कि फॉर्म में वापसी के संकेत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई इनका मतलब यहाँ पर ये अपने होम ग्राउंड में ही खेलेंगे, तो भाई यहाँ पर ये इनके लिए सबसे अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ले रहा हूँ। साथ ही साथ विकेट कीपिंग से बैकअप देंगे आपको, तो भाई यहाँ से और भी अच्छी बात है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्विंटन डिकॉक अगर खेलता तो भाई आप मस्ट पिक आपके लिए रहेगा, अगर नहीं खेलता तो भाई फिर क्या ही कर सकते। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद क्विंटन डिकॉक ना खेले। जो रूट का सिलेक्शन भाई आपने कभी देखा वनडे में मतलब 40% से नीचे, बट अब भाई क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में 3 मैच में से 2 तो भाई इसने 0 बनाए, और एक मैच में भाई सिंगल डिजिट में आउट हो गया, ऐसा नहीं कुछ भी एक भी डबल डिजिट भी स्कोर इन्होंने अभी तक नहीं किया, यानी कि 10 का पाड़ा भी इन्होंने अभी पाड़ा तो छोटो 10 तक भी आए एक बार भी भाई नहीं पहुंचे, ठीक है। तो भाई इसीलिए इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन भाई आपकी टीम में मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। और भाई इंग्लैंड जो इंडिया का पेस अटैक था उसको एज उसके कंपेरिजन में यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पेस अटैक को वो भी भाई रबाडा की अब्सेंस में ज़्यादा अच्छा खेलने के चांसेस हैं, तो भाई यहाँ पर हो सकता है कि जो रूट यहाँ पर अपनी फॉर्म में वापसी करे, तो आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। राशि वांडरडसन 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग, और भाई सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है अगर रिसेंटली बात करें जो साउथ अफ्रीका की टीम है इसकी, और भाई यहाँ पर वनडे में इनका जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए रहेंगे, जरूर से आप इसे ट्राई कर सकते हो। डेविड मिलर भाई बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है, और यही रीज़न है कि मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप करके चलूँगा, क्योंकि भाई हो सकता है भाई ये लंबी पारी ना खेलते नजर आए, काफ़ी कम ही ना गेंदे खेलने मिले, या फिर भाई ये ऐसी सिचुएशन में आए कि हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाएं, ठीक है। वहीं अगर बात करें जेसन रॉय की, तो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में आप देख सकते हो लास्ट मैच में 41 बनाए, लेकिन उसमें भाई काफ़ी सारे चांसेस मिस हुए, कुछ कैचेज ड्रॉप हुए, कुछ यहाँ पर भाई एज थे जो मतलब यहाँ पर क्या है भाई कुछ यहाँ पर ऐसे थे जो भाई यहाँ पर सीधे विकेट में नहीं लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ इनके मिस हिट्स पे थे जो भाई इनके वहाँ पर कैचेज कुछ तो कैचेज ड्रॉप हुई, और कुछ भाई यहाँ पर कैच फिल्टर्स तक पहुँची भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर रहा था, और इसीलिए भाई इन्होंने यहाँ पर लास्ट मैच में 40 रन बनाए थे। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो स्टार्टिंग के ओवर से इनके लिए निकालना मुश्किल होता जा रहा है, और भाई यहाँ पर यही दिक्कत आ रही है इनको, और भाई हो सकता है यहाँ पर भाई ये नोर्किया के अगेंस्ट में विकेट आपको फेंकते नजर आ जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी के लिए जो मेरी टीम में जो मैं लास्ट बैट्समैन लूँगा वो भाई यहाँ से मैं या तो ले रहा हूँ एडन मार्करम को, या फिर भाई यहाँ से डेविड मिलर को आप ले सकते हो। इसके अलावा डिफरेंशियल पिक की बात करें, जानेमन मलान भाई यहाँ पर ओपनिंग करते नजर आएगा, और भाई मतलब अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ती है तो भाई कुछ और ही गेंदबाजी भी करके दे सकता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, जरूर से आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो लिविंगस्टन आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा, मैं तो बोलूँगा भाई जेल मिनी जेल में ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर एक दो विकेट दे जाता है और भाई मतलब इनका इंग्लैंड का कोलैप्स होता है तो भाई ये फिर आकर अच्छी खासी नोक खेल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वहीं अगर बात करें भाई अभी ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ से भाई बैन स्टोक्स मेरे टीम में 100% रहेंगे। अब इनको मैं टीम में क्यों ले रहा हूँ भाई, ये रीज़न ये नहीं कि मतलब इस मैच के बाद संन्यास ले रहा तो भाई चलिए बैन स्टोक्स को अपने टीम में रखते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, हम फैंटेसी खेलने वाले हैं, हम यहाँ पर भाई फीलिंग्स की कदर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बैन स्टोक्स को मैं टीम में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई जो साउथ अफ्रीका की टीम है ना, इनका भाई जो एक पेस बॉलर है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, और उसके चांसेज उससे चांसेस क्या है कि भाई यहाँ पर बैन स्टोक्स के बॉलिंग के बढ़ जाएंगे जो इंडिया के अगेंस्ट में इन्होंने काफ़ी कम की थी। अब वहीं
अगर बात करें नंबर चार पर लगातार बैटिंग करने आ रहा था, तो भाई नंबर चार पर ही अगर बैटिंग करने आएगा तो यहाँ पर और भी चांसेज है कि अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर भी कर सकता है। तो आपके लिए इवन भाई यहाँ पर मैं तो रिकमेंड करूँगा CVC पे आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर मोइन अली मस्ट ऑफ पिक आप मान के चल सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं नहीं बोलूँगा मस्ट ऑफ पिक क्योंकि भाई वही बात है स्पिनर्स को यहाँ पर मदद देनी, चार से पाँच ओवर डालता नजर आएगा और भाई बैटिंग में भी हिट एंड मिस टाइप थोड़ा सा बल्लेबाज है, तो यहाँ पर भाई मतलब ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है भाई इंडिया के अगेंस्ट में जैसे इनका कोलैप्स हो रहा था और नीचे आके मोइन अली लगातार 20-20, 30-30, 40-40 रन बना रहा था, तो भाई हो सकता है अगर वैसा हो जाए तो मतलब आप मान सकते हो कि यहाँ पर मोइन अली ज़्यादा यहाँ पर आपको हिटिंग करता दिखेगा या फिर ज़्यादा आपको खेलता दिखेगा, अदरवाइज भाई इनके बैटिंग के चांसेस काफ़ी कम यहाँ पर रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। अगर यहाँ पर भाई जो डेविन प्रिटोरियस अगर खेलता तो हमारे लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा, इवन भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करता है मतलब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है, तो भाई यहाँ पर इवन भाई आपके लिए एक सेफ VC के ऑप्शन में यहाँ पर रहेगा क्योंकि भाई बैटिंग में भी हो सकता है इनका प्रमोशन हो जाए और भाई बॉलिंग तो इनकी काफ़ी शानदार है, तो अभी के लिए मैं इन दोनों ऑलराउंडर्स को लेकर जा रहा हूँ। बात करें अगर गेंदबाजी की तो यहाँ पर भाई एंड्रिक नोरखिया हमारी टीम में रहेंगे, अब यहाँ पर भाई आदिल रशीद की बात करें, आदिल रशीद और यहाँ से भाई तब्दील शमशी दोनों की मैं एक साथ बात कर रहा हूँ कि मतलब जो भी यहाँ पर टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करे ना उसी के स्पिनर्स को आप लेके चल सकते हो, वो भी भाई स्पिनर्स को नहीं स्पिनर को सिर्फ ऐसे तब्रेज शमशी और आदिल रशीद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, अगर दोनों खेलते हैं अपनी अपनी टीम के लिए तो। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जो डेविड विली है ये आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा, इवन भाई आप इसे ग्रैंड लीग में भी कैप्टन VC कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में जो बॉल अगर मूव होती ना तो भाई इनको खेलना ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर रिस टॉपली लगातार भाई अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट में वनडे सीरीज के 3 मैचेस में 9 विकेट निकाले जिसमें से भाई पहले मैच में विकेट लेस हो गए थे, यानी कि लास्ट के 2 मैच में 9 विकेट है। इसके अलावा यहाँ पर अभी मतलब आप मान सकते हो कि T20 में भी आपको अच्छी खासी विकेट निकालते दिखे थे, तो जो इनका एक अच्छा फेज है वो यहाँ पर चल रहा है और भाई इनकी बॉल काफ़ी मूव भी कर रहे और भाई अच्छे एरिया में गेंद को हिट कर रहे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो वहीं अगर बात करें भाई इसके अलावा तो यहाँ पर भाई नीचे अगर हम बात करें तो जो एक प्लेयर हमारे पास बचता है वो भाई लुंगी नगीड़ी को मैं लेके जाऊं क्योंकि लुंगी नगीड़ी के आगे सामने यहाँ पर भाई बेस्टों को छोड़कर इनका पूरा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है पूरा का पूरा, तो अगर मान लो 1-2 विकेट भी निकाल कर ले गए तो भाई हमारे लिए काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल रोल प्ले कर देंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैं लुंगी नगीड़ी को अपनी टीम में ले रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर इंग्लैंड का जो बटलर है उसको अगर यहाँ से निकाल दें तो उस सॉरी बेस्टों को अगर निकाल दे तो उसके अलावा यहाँ पर सभी इनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं लुंगी नगीड़ी के अगेंस्ट में, तो भाई यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस है कि मतलब लुंगी नगीड़ी विकेटलेस जाए, तो विकेट ये अगर निकालेगा तो हमारी टीम में जरूर रहेगा और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती तो भाई फिर तो हमारे लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से बात करें भाई CVC की तो CVC मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर कुछ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ मैं आपको GL की रोटेशन मेरे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वो मैं आपको आफ्टर टॉस शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर CVC की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो कैप्टनसी की बात करें तो भाई मैं जो रूट के साथ जाऊँगा अगेन भाई मैं काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ और भाई ट्रस्ट काफ़ी मतलब बड़ा है और रीज़न भी है ट्रस्ट का कि मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम तक इंग्लैंड का भार अपने कंधों पर लेकर चले, लेकिन भाई अब यहाँ पर भाई मतलब मैं तो ये मानकर चलूँगा कि भाई मतलब ये फिर से अच्छी खासी लोग यहाँ पर खेलते नजर आएंगे, बाकी देखते भाई क्या करते क्या नहीं करते। इसके अलावा VC की बात करें तो भाई आप यहाँ से बेन स्टोक्स को रिकमेंड कर सकते हो या फिर भाई आप ऐसे डिप्रिटोरियस को कर सकते हो, मतलब जिसका मेन रीज़न क्या है कि मतलब आप यहाँ पर CVC किसी ऐसे ऑलराउंडर को मिलाओ जो वन डाउन टू डाउन बैटिंग भी करे और यहाँ पर भाई अच्छी खासी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मतलब गेंदबाजी भी आपको करता दिखे, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर इनमें से कोई रहेगा तो आप इनमें से किसी को लेकर चलिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर टीम के प्रिव्यू की बात करें तो भाई टीम से करके एक बार मैं आपको प्रिव्यू दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की टीम भाई आपको हमारी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर प्रिव्यू की तो ये कुछ इस प्रकार की टीम हमारा जो मतलब हमारी है वो आपके सामने, बाकी अगर इस टीम कुछ भी चेंजमेंट चाहते हो तो मतलब आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंजमेंट जरूर से कर सकते हो, ठीक है, बट अभी के लिए जो मेरे को सबसे बेस्ट टीम लगी वो मैंने आपको मतलब सौंप दिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।